दोस्तों नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक वर्चुअल डेबिट कार्ड आता है, अगर आप उसे एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप जो है कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन हो जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इनमें आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यूज कर सकते हैं। जब आपका यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है तो यहाँ पे आपको सीवीवी नंबर, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, ईयर सब यहाँ पे आपको दिया जाता है ताकि आप यूपीआई किसी भी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। हालाँकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में यूपीआई का ऑप्शन आ चुका है, आप इस एप्लीकेशन से यूपीआई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन से यूपीआई की फैसिलिटी यूज करने के लिए आपको डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हालांकि इसमें डेबिट कार्ड रहते हैं लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। सिर्फ आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर होना चाहिए, कस्टमर आईडी होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, जो आपने खाता खुलाते समय दिए थे वो आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप यूपीआई यूज कर सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। अगर आप किसी दूसरे एप्लीकेशन में यूज करना चाहते हैं अपने बैंक को, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को, तो आपको जो है एक डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो डेबिट कार्ड आपको फिजिकल रूप में नहीं दिया जाता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से, वो डेबिट कार्ड आपको जो है वर्चुअल दिया जाता है, यानी कि आप उसको फ़ोन में सेव करके रख सकते हैं, यानी कि आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एप्लीकेशन में जो है वो वर्चुअल डेबिट कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक्टिवेट करने के बाद वहां पे आपको जैसे कि फिजिकल में रहते हैं कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर, एक्सपायरी ईयर, वो सारे कुछ यहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनसे आप जो है कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में कहाँ पर ये आपका रुपये का डेबिट कार्ड मिलेगा और किस तरह से यहाँ पर आप उसका डिटेल देखेंगे और किस तरह से आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे, सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेरा नाम है मिथुन कुमार, आप देख रहे हैं एमकेपी गुड टिप्स। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि बहुत सारा आपको ऑप्शन यहां पे दिखेगा और रिक्वेस्ट मनी के नीचे एक ऑप्शन है रुपये डेबिट कार्ड, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पर आपको दिया जाता है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये वर्चुअल डेबिट कार्ड से आप जैसे कि फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, तो कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जा रहा है, यहाँ पे कार्ड का नंबर आपको दिया जा रहा है, सीवीवी नंबर दिया जा रहा है, एक्सपायरी डेट और ईयर भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। बशर्ते ये वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है आप यहाँ पे फिजिकल अभी नहीं मंगा सकते हैं, यानी कि एटीएम से कोई भी आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, गूगल पे हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बेनिफिट, तो ये कार्ड का सारा डिटेल आपको दिखाया जाएगा, कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, ये सब आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे में एक ऑप्शन है मैनेज लिमिट का, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 50,000 का लिमिट दिया गया है, तो यहाँ पे आप न्यू डोमेस्टिक कार्ड लिमिट, यहाँ पे आप लिमिट भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो भी आप सेट करना चाहते हैं, 10,000 सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10,000 यहाँ पे सेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप जो है कंटिन्यू पे क्लिक करके आप सेट कर सकते हैं। कार्ड को आप ब्लॉक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी कर सकते हैं, टेम्पोररी और परमानेंट भी। तो यहाँ पे ब्लॉक वर्चुअल डेबिट कार्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टेम्पोररी ब्लॉक और परमानेंट ब्लॉक भी आप कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।